अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मुनज़्ज़ा ऑन यूट्यूब चैनल सईद फाजिल बुखारी। आज हम IR पेपर 2 का एक और टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन द करंट सिनेरियोस। इट इज़ फासिज्म बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। सो लेट्स चेक आउट आवर कंटेंट ऑफ द टॉपिक। वी विल स्टडी व्हाट इज़ फासिज्म, फीचर्स ऑफ फासिज्म, देन फासिज्म इन इटली, इम्पैक्ट्स ऑफ फासिज्म on Italy, then verdict on Italian fascism, which is an analysis, and then fascism and Nazism, और last में है answer and win. अच्छा, अब देखते हैं कि fascism है क्या। ये एक radical nationalist ideology है जो एक strong authoritarian leadership और एक collective classless society पर believe करते हैं। ये word fascist से निकला है जिसका मतलब unity है और इसका ये symbol है। It says in ancient Rome the fascist was a bundle of wooden rods bound with red leather. A single stick is easily broken, but together they are extremely strong. The fascist stands for strength through unity. But another part of the fascist is the axe blade, which symbolized that the power of the magistrate included capital punishment, literally power over life and death. सबसे पहले ये वर्ड इटली में यूज़ हुआ था। इनफैक्ट ये मुसोलिनी के पार्टी का नाम था, द इटालियन फासिस्ट पार्टी, और इसके कोई ख़ास थियोरेटिकल राइटर नहीं है जैसे कम्युनिज्म के मार्क्स थे। बट पीपल फॉलो मुसोलिनीज आइडिया इन एक्सप्लेनिंग इट। उनमें भी वेरिएशंस आ गई है क्योंकि 1923 तक पावर गेन के लिए मुसोलिनी कॉन्स्टेंटली पॉलिसीज चेंज करते रहे, और पावर में आने के बाद भी गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ही ब्रॉट सम मोर चेंजेस इन इट। सो बेसिकली सारे राइट विंग व्यूज़ को फासिज्म कहते हैं, और उनमें कुछ चेंजेस होती रहती है जैसे नाजिज्म और फासिज्म में है। अच्छा, ये आइडियोलॉजी ऐसे हालात में इमर्ज हुई थी जब इटली वर्ल्ड वॉर से सिवियरली इफ़ेक्ट हो चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी और लोग मौजूदा गवर्नमेंट से काफ़ी तंग आ चुके थे। ऐसे हालात में हमेशा राइट विंग पार्टीज़ डोमिनेट कर जाती है जो नेशनलिज्म और ट्रेडिशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। Now let's move to our next slide, which is features of fascism. First feature is that it has to have a stable and authoritarian government जो कि आम लोगों को मोबिलाइज करेगी ताकि वो मिलकर इकोनॉमी और लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। इसके बाद है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। एक लंबे अरसे के डिक्लाइन के बाद ये कौम को दोबारा जगाने पे बिलीव रखता है। इट वुड स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस एंड प्रेस्टीज ऑफ द स्टेट विद एन इम्प्लिकेशन के हम सबसे सुपीरियर कौम हैं। Then such states would have one-party system, of course. Democratic debate के लिए इसमें कोई जगह नहीं। इस पार्टी का एक अजीम लीडर होता है जो नेशन को इंस्पायर करता है और लोग उसको कल्ट की तरह फॉलो करते हैं। मुसोलिनी ख़ुद को एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एल डूचा यानी द लीडर के तौर पर मुखातिब करता, और इसी तरह हिटलर भी ख़ुद को फूरा कहता। इसके बाद है इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी या ऑटार्की। ये इकॉनमी को गवर्नमेंट के थ्रू डील करने पे बिलीव करते थे, लेकिन मार्क्सिस्ट की तरह गवर्नमेंट का फैक्ट्रीज ओन करने के अगेंस्ट थे। अच्छा, प्रोपेगेंडा का बहुत रोल था इस फासिस्ट गवर्नमेंट में। लोगों को हीरोइक लीडर के पीछे मोबिलाइज करने के लिए यूनिफॉर्म्स, बैजेस और सॉन्ग्स का सहारा लिया जाता, विच वॉज ए डायनेमिक अल्टरनेटिव टू बोरिंग ओल्ड फैशन ट्रेडिशनल पार्टीज। लास्ट फीचर है मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। ये अपोनेंट्स के खिलाफ डोमेस्टिकली एक्सट्रीम वायलेंस का इस्तेमाल करते। मुसोलिनी, जिसको किंग ने खुद प्राइम मिनिस्टर की सीट पेश की थी, फिर भी उनकी पार्टी ने फेक इम्प्रेशन बनाया था कि उन्होंने फोर्स से ही अथॉरिटी ली है, और मुसोलिनी ये तक कहता रहा कि पीस इज एब्सर्ड, फासिज्म डज नॉट बिलीव इन इट। Now let's see इटली में फासिज्म कैसा था और स्टार्ट कैसे हुआ। सो बेसिकली सिवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्कर स्ट्राइक्स पे थे। सो इसी वाइड स्प्रेड अनरेस्ट में मुसोलिनी एज ए लीडर उभर आया। 1920-21 में मुसोलिनी ने एक आर्म्ड बैंड तैयार करवाई जिनको ब्लैक शर्ट्स या स्क्वाड्रिस्टी कहते थे। ये सोशलिस्ट ऑफिसेस और न्यूज़पेपर्स पे अटैक करते और वायलेंस के थ्रू स्ट्राइक्स ख़त्म करवाते।
फिर है सक्सेसफुल नेशनलिस्टिक अपील्स। 1922 में मुसोलिनी की मूवमेंट काफ़ी फेमस हो गई थी, मिडिल क्लास कम्युनिज्म से डरती थी और इसके अलावा इटली के लोग पीस सेटलमेंट में लैंड्स लेने में नाकाम होने पर गुस्सा थे। सो मुसोलिनी ने लैंड की डिमांड की ताकि उसको और फासिस्ट कन्वर्ट्स मिल जाए और यूं वो एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर फेमस हुए। अच्छा, जब प्रेशराइज करने पर किंग विक्टर इमैनुअल III ने मुसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो उसने ये ओहदा फासिस्ट डिक्टेटरशिप बनाने के लिए इस्तेमाल किया। न्यू लॉज पास करवाई जिसमें गवर्नमेंट को चर्च, मोनार्की या स्टेट को क्रिटिसाइज करने वाले न्यूज़पेपर्स को बंद करवाया और प्राइम मिनिस्टर को लॉज बनाने का हक दिया गया और पुलिस को भी अरेस्ट करने की इजाज़त दे दी गई। इसी तरह 1926 तक सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को नाअहल करवाया और ख़ुद को एक एल्डूचा यानी द लीडर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद एक सीक्रेट पुलिस फोर्स भी बनाई। फासिस्ट गवर्नमेंट्स टोटलिटेरियन होते हैं और उसके लिए दे नीडेड टू एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इटालियन पीपल। सो ही क्रिएटेड ए सीक्रेट पुलिस फोर्स कॉल्ड द ओवरा। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्फोर्स करते और लोगों की पोलिटिकल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते, लेकिन ये कभी भी नाजी जर्मनी की तरह सेविज और रिप्रेसिव नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट कंट्रोल ओवर मीडिया विच इंक्लूडेड न्यूज़पेपर, रेडियो एंड फिल्म। मीडिया को प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया जाता जिसका मकसद लोगों को एक माइंडसेट, द माइंडसेट ऑफ फासिस्ट की तरफ मोल्ड करना था और इसमें सिंपल स्लोगन्स शामिल थी जैसे मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई थी जो फासिज्म को प्रमोट करते। 1939 तक फासिस्ट यूथ ग्रुप्स में 66% पॉपुलेशन की उम्र 8 से 18 साल तक की थी। ये यूथ ग्रुप्स मिलिट्री एक्टिविटीज़ पे फोकस रखते। लास्ट वन इज़ ट्रेडिशनल सोशल एटीट्यूड्स। फासिस्ट ट्रेडिशनल सोशल एटीट्यूड्स को वैल्यू करते और ख़ासकर इनकी वुमेन रिलेटेड पॉलिसीज़ ने वुमेन को फैमिली के फाउंडेशन के तौर पे पोर्ट्रे किया। Okay, now let's see what were the impacts of fascism over Italy. First point है industries को encourage करने के लिए government subsidies दे दी गई जिससे iron और steel की production double हो गई, artificial silk production 10 गुना बढ़ गई और hydroelectric power की production भी double हो गई। फिर है बैटल ऑफ लीरा। मुसोलिनी चाहता था कि इटली की करेंसी स्ट्रांग हो, सो वो पाउंड के मुकाबले में लीरा को 150 से 90 तक ले आया। देन टू इनकरेज फार्मर्स टू फोकस ऑन वीट प्रोडक्शन ही स्टार्टेड बैटल फॉर वीट। इसके अलावा एक और कैंपेन बैटल ऑफ बर्थ्स भी लॉन्च किया जिसका मकसद बर्थ रेट को बढ़ाना था, क्योंकि मुसोलिनी को लगता था कि एक अजीम स्टेट बनने के लिए 40 मिलियन की पॉपुलेशन बहुत कम थी। देन ही स्टार्टेड ए प्रोग्राम ऑफ लैंड रिक्लेमेशन जिसमें मार्शेस को ड्रेन करना, इरिगेशन और पहाड़ी इलाकों में फॉरेस्ट लगाना शामिल था। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए एक इम्प्रेसिव पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसमें मोटरवेज, ब्रिजेस, फ्लैट्स, रेलवे स्टेशंस, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, स्कूल्स और नए टाउनशिप्स बनाना शामिल था। रेलवे लाइंस को इलेक्ट्रिफाई किया और स्पोर्ट्स में इटली इतना एक्सेल कर गया कि दो बार सॉकर वर्ल्ड कप भी जीत गया, एक 1934 में और दूसरा 1938 में। एक आफ्टर वर्क ऑर्गेनाइजेशन डुपालुवोरो भी बनाई जो आम लोगों को चीप टूर्स, क्रूजेस, थिएटर्स, लाइब्रेरीज एट्सेट्रा प्रोवाइड करती, और इन सब के अलावा एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी अपनाई जिससे इटली के अजीम स्टेट होने का इमेज पोर्ट्रे हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड है वर्डिक्ट ऑफ इटालियन फासिज्म। अच्छा, अब फासिस्ट इरा के दो तरह के इंटरप्रिटेशन हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ ए टेम्प्रेरी अपरेशन। हिस्टोरियन ए कसेल कहता है कि ये सिचुएशन मुसोलिनी ने आर्टिफिशली क्रिएट की थी। ही कॉल्स इट ए जाइगेंटिक कॉन्फिडेंस ट्रिक ऑफ मुसोलिनी। सेकेंड इंटरप्रिटेशन के मुताबिक फासिज्म ग्रू फ्रॉम इटालियन हिस्ट्री। दे से दैट वर्ल्ड वॉर वन के बाद सरकमस्टांसिस ऐसे बन गए थे कि फासिज्म को इमर्ज होना पड़ा, और ज़्यादातर हिस्टोरियंस भी सेकेंड इंटरप्रिटेशन को ही फेवर करते हैं। इसके अलावा अभी एक रिविजनिस्ट ट्रेंड आया है इटालियन हिस्टोरियंस के बीच और ये लोग फिर से मुसोलिनी को एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट करने लगे हैं, सेइंग दैट
His only mistake was entering into the Second World War. लास्ट स्लाइड ऑफ द टॉपिक इज नाजिज्म एंड फाशिज्म. दोनों टर्म्स कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और फाशिस्ट वर्ड पहले इटली में यूज़ हुआ था, उसके बाद हर राइट विंग मूवमेंट के लिए यूज़ होने लगा. और नाजिज्म भी एक टाइप की फाशिज्म ही है, बट विथ स्लाइड डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज. अच्छा, अब पहले सिमिलैरिटीज को देखते हैं. ये दोनों इंटेंसली एंटी कम्युनिस्ट और एंटी डेमोक्रेटिक थे. एक टोटलिटेरियन स्टेट चाहते थे जो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और यहाँ तक के लोगों के लाइफ्स को भी कंट्रोल करे. दोनों अपनी अपनी कंट्रीज को सेल्फ सफिशिएंट और यूनाइटेड चाहते थे. और लास्ट पॉइंट है कि दोनों स्टेट्स की सुप्रीमेसी को एम्फेसाइज करते, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, वॉर को ग्लोरीफाई करना और एक लीडर को कल्ट की तरह फॉलो करना दोनों में सेम था. नाउ लेट्स सी व्हाट वर द डिफरेंसेस. फाशिज्म इटली में इतना डीपली रूटेड नहीं था जितना जर्मनी में नाजिज्म था. एफिशिएंसी में भी जर्मनीज नाजिज्म आगे था, और नाजीज ने अनएम्प्लॉयमेंट कम्प्लीटली ख़त्म कर दी थी, जबकि मुसोलिनी के दौर में अनएम्प्लॉयमेंट किसी हद तक बढ़ गई थी. इसके अलावा इटालियन सिस्टम जर्मनी की तरह ज़ालिमाना नहीं था, और ना ही ये रेसिस्ट या एंटी जीविश था. द लास्ट पॉइंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस. इटली में मोनार्की थी जिसमें ने बाद में मुसोलिनी को डिसमिस भी किया, लेकिन जर्मनी में ऐसी कोई ताकत नहीं बची जो कि हिटलर को हटा सकता था. Now let's move to the answer and win part. The question is, do you think right-wing governments are product of circumstances, or are they responsible for orchestrating such suitable conditions for themselves? Think out of the box and answer in the comment box. We are going to name our winner of the month in next video. Until then, take care.